नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त तो चला है हरियाणा वॉइस का, चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। हरियाणा के रोहतक में आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर राज्य स्तर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज देश की सेना में हरियाणा अहम योगदान निभा रही है, जहां युद्ध में यहाँ के जवान जो है वो खून देने के लिए पीछे नहीं रहते। देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा के रोहतक में राजकीय महिला कॉलेज में आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की टीम में शामिल 3 जाबाज आज भी हरियाणा में हैं, जिसमें से 2 रेवाड़ी के हैं तो एक महेंद्रगढ़ के रहने वाले। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में आजाद हिंद फौज के सिपाही रेवाड़ी के गांव भूरथला निवासी करीब 155 वर्ष हरि सिंह, कोसली निवासी करीब 102 वर्षीय मंगल सिंह और महेंद्रगढ़ जिले के गांव मांढी निवासी करीब 98 वर्षीय जयप्रकाश आज भी हैं। नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि तीनों आजाद हिंद फौज के जाबाजों को उनके घर जाकर सम्मानित किया जाए, इसीलिए वहां के उपायुक्तों को घर पर सम्मानित करने भेज दिया गया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आज देश की सेना में हरियाणा का अहम योगदान रहा है, प्रत्येक युद्ध में यहां के जवान खून देने से पीछे नहीं रहते। सीएम के भाषण में कलाकारों ने कविता लिखकर दी थी। सीएम ने कलाकारों से कहा कि वे खुद ही इस कविता को सुनाएं, इसीलिए मुख्यमंत्री ने अपना भाषण बीच में ही रोक दिया और कलाकारों ने कविता गाई, जिसकी पंक्तियां थी, जब बरसन लागे फूल बोस पे। एक मुझे एक हमारे कवि साहब ने 2-4 पंक्तियां नेताजी सुभाष चंद्र के बारे में बोलने के लिए कहा। मैंने कहा मैं बोलूं, इससे अच्छा है हमारे जो कलाकार हैं सुमेर सिंह जी, अगर ये खुद ही बोल करके 4 पंक्तियां सुना देंगे तो जरा जनता को अच्छा लगेगा। मेरे इस भाषण में जरा जो 2 पंक्तियां आप बोल के बता दो जरा, वही वाली घड़ी ना बीती ना पल। बोलिए भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद। और घड़ी I'm
कविताओं के कवियों के मनों में किस प्रकार का जोश, यानी उस समय की वर्णन घटना उसके आधार पर ये जोश। तो मैं तो आज इतना ही कहना चाहूंगा भाइयों बहनों, आज का हमारा ये कार्यक्रम उसी श्रृंखला का ये कार्यक्रम है जब उन्हें महापुरुषों की जयंतियां एक विशेष योजना बना करके की, ताकि देश के अंदर प्रदेश के अंदर जितने ऐसे लोगों की कवियों के माध्यम से या भाषणों के माध्यम से लोगों को संस्कार दिए जा सकते उतने हम दे रहे हैं। मैं तो इतना ही कहूंगा, चाहे भगवान श्री राम जी का समय था और चाहे आज हम बात करें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, इस बीच में कितने ही महापुरुष हुए हैं, कितने ही महान बलिदानी हुए हैं, उन्होंने जो रास्ता हमको दिखाया है, हम चाहे सरकार चलाने में लोग लगे हैं, चाहे जनता के नाते आप लोग लगे हैं, हमको एक जागरण के नाते ये सब काम करना है, लोगों को उनके पैरों पर खड़ा करना है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है और सुरक्षा, रोजगार और उसमें से स्वावलंबन, स्वाभिमान, सेवा, सुशासन, मैंने 7 सै की जो बात की है उसमें हम सब काम अपना पूरा कर रहे हैं। और फिर क्राइम, करप्शन, कास्टलेस, जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी जो राजनीति में आई है, उस नाते से उसको दूर करना, ये हमारे काम से हम कर रहे हैं। आपका सहयोग चाहिए, आपका सहयोग मिलता रहेगा तो समाज हित में सारे काम हम करते रहेंगे, किसी के काम की कोई कमी नहीं आने देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के लिए नेताओं के 2 दल बने, गर्म दल और नरम दल। गर्म दल में हजारों की संख्या में लोग जुड़े। आज के हरियाणा से हजारों की संख्या में युवा आजाद हिंद फौज में भर्ती हुए। नेताजी ने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया था। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को देश में बड़ा इतिहास बना, पूरा देश राममय हो गया और सोमवार को हर जगह राम ही राम थे। आंदोलन खड़ा करना बहुत आसान नहीं होता है। आंदोलन खड़ा करने के पीछे जो व्यक्ति आगे होता है उसकी विश्वसनीयता भी होती है, उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए, हाँ ये जो व्यक्ति कहेंगे हम इसके पीछे लगेंगे। उसी में से दोनों अलग धाराओं में विषय शुरू हुआ, जिनको उस समय कहा गया कि एक गर्म दल है, एक नरम दल है। गर्म दल याने किसी भी प्रकार के आंदोलन में चाहे लड़ाई लड़ करके, संघर्ष करके हमें अपने दुश्मन को पराजित करना हो तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। इसी में से हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई, यानी एक व्यक्ति 50,000 लोगों की एक फौज बना लेते हैं INA के नाम पर, कोई देश कोई सरकार तो बना लेता है एक व्यक्ति के आह्वान पर। घर घर से नौजवान निकले और हम सौभाग्यशाली हैं कि ये एक क्षेत्र जिसको उस समय तो हरियाणा शायद नहीं कहा जाता था, लेकिन अपना ये जो आज का हरियाणा भी अगर समझें तो इसमें से भी हजारों युवक उनकी आजाद हिंद फौज में INA में भर्ती हुए। उनको कोई पैसा भी नहीं मिलता था, उनको गुजारा करने के लिए साधन भी नहीं मिलता था, घर परिवार छोड़ करके देश की आजादी के दीवाने उनकी फौज में शामिल हो गए। मरेंगे मारेंगे, देश को आजाद जरूर कराएंगे, ये उनका लोक होगा। और दूसरा दल जिसको नरम दल के नाम से कहा गया, देश में असहयोग आंदोलन करो, सरकार का सहयोग करने की कोई जरूरत नहीं, और बिगुल बजाय अंग्रेज की सरकार के खिलाफ नेता बने महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने यात्राएं निकाली और उसके अंदर सारी जनता को साथ लगाया, कितना बड़ा आंदोलन खड़ा किया। CM मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास हो रहा है, सरकार जनता के लिए काम कर रही है। पहले की सरकारों ने जनता पर ध्यान नहीं दिया, केंद्र और प्रदेश की सरकार ने समाज से भ्रष्टाचार दूर किया है। देश में हरियाणा का जवान और पहलवान भी अग्रणी है। हरियाणा के जवानों ने देश के लिए बलिदान दिया। आज हरियाणा की युवा सेना में 10-11% हैं। इनमें रोहतक के जवानों का विशेष योगदान है।
तो सुभाष चंद्र बोस हमारे लिए जैसा मैंने बताया वो कोई व्यक्ति नहीं थे और केवल नेता भी नहीं थे, वो एक पराक्रम की मूर्ति थे। पिछली सरकारों ने उनको कभी याद नहीं किया, मोदी जी ने आने के बाद बहुत काम किए सुभाष चंद्र बोस के, उनकी स्मृति के लिए। पहला काम हमारा जो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को होता है उसकी तैयारी 24 जनवरी से शुरू होती है, 24-25 रिहर्सल होती है, 26 को कार्यक्रम होता है। मोदी जी ने आज आते ही कहा कि क्या इसको हम 24 की बजाय इस तैयारी को 23 जनवरी से शुरू नहीं कर सकते, उसको 23 जनवरी यानी आज से गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। और मोदी जी ने आज के दिन को पराक्रम दिवस के रूप में नाम दिया, आज का दिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा, इंडिया गेट हमने देखा है दिल्ली में, इंडिया गेट के नीचे एक ज्योत जलती थी, वो ज्योत कोई हमारी आजादी के साथ उसका संबंध नहीं है, उससे पहले से बताते हैं वो कभी जलाई गई होगी अंग्रेज सरकार ने, उसको बाद में एक सेना के प्रति श्रद्धांजलि का नाम दे दिया गया। लेकिन मोदी जी ने कहा कि यहां वास्तव में हमारे देश की सेना के प्रेरणा स्रोत आदर्श वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इस जगह पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगनी चाहिए, इंडिया गेट पर आज उनकी प्रतिमा स्थापित है। नेताजी का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हमारा जज्बा सेना में जाने का और मजबूत हो जाता है। हरियाणा के लोग इस मामले में पीछे नहीं है, बहुत आगे हैं। आबादी हमारी मात्र देश की 2% आबादी है, देश की आबादी 130 करोड़ से 140-135 करोड़ मानी जाती है, आज हम भी 2,80,00,000 हैं, सिर्फ 2% आबादी है। लेकिन अगर देश की सेवा करने के नाते, रक्षा के ऊपर देश की सुरक्षा करने के नाते हमारे हरियाणा के जवानों की संख्या पूरी सेना का 10-11% हो चुका है। भाइयों बहनों, 10-11% हमारा जवान, आखिर वो कैसे जज्बात लेता है? उनको जज्बात यहीं से मिलता है कि हमारे जो पूर्व के ऐसे सैनिक हैं, स्वतंत्रता सेनानी जिनकी आयु 105 साल हो गई है, वो हमारे समाज के लोगों में, नौजवानों में कहानियां कथाएं सुनाते रहते हैं, देश की सेवा को अपना जज्बा मान करके और दौड़ पड़ते हैं जब सेना की भर्ती होती है। तो ये जज्बात हमारा बना रहे। हमको हरियाणा के लोगों को बहुत से ऐसे खिताब मिले हुए हैं, बहुत सा हमको एक प्रकार से दुनिया क्रेडिट देती है। क्या देती है? कि देश के जनता का पेट भरने के लिए, अन्न पैदा करने में अगर कहीं अग्रणी राज्य है तो हरियाणा है, यहां का किसान अग्रणी है। फिर हमारा जवान अग्रणी है, ये मैंने बताया ही है, हमारा पहलवान भी अग्रणी है, हमारा विज्ञान भी अग्रणी है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। मोदी जी ने आने के बाद ये कहा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। सीएम मनोहर लाल ने नेताजी की जयंती पर उन्हें याद करते हुए कहा कि नेताजी के आदर्शों पर हम सभी को काम करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। सीएम मनोहर लाल को सुनने के लिए हजारों लोग पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महेंद्रगढ़ जिले के गांव नवादी में 9 वर्षीय दिव्यांग गरिमा को उसके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों के लिए प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया, जिसे लेकर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं दी। बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि जीवन में कठिनाइयां भले ही कितनी भी हो, जो उनका डटकर सामना करता है उसे ही वो ही हिम्मत को दर्शाता है, जिसका साक्षात उदाहरण है गरिमा। माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा महेंद्रगढ़ जिले के गांव नवादी में 9 वर्षीय दिव्यांग बिटिया गरिमा को सामाजिक कार्यों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किए जाने पर ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। बिटिया, आपने प्रदेश का मान बढ़ाने के साथ ही दूसरों के लिए मिसाल भी पैदा की है, आपको उज्ज्वल भविष्य के लिए आशीर्वाद।
आने वाली 26 जनवरी को हरियाणा की झांकी लगातार तीसरी बार कर्तव्य पथ पर निकलेगी, जिसे लेकर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि आगामी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रदेश की विविध सांस्कृतिक विरासतों को प्रदर्शित करेगी। राखी गढ़ी का पुराना इतिहास और आधुनिकता के साथ ही साथ कृषि और सांस्कृतिक के रूबरू कराने वाली ये झांकी मेरा परिवार मेरी पहचान थीम पर आधारित है, जिसमें परिवार पहचान पत्र के जरिए पात्र लाभार्थियों तक पहुंचती सुविधाओं और तकनीकी के साथ साथ आगे बढ़ते युवाओं को भी पारदर्शित करेगी। फिलहाल के लिए हरियाणा वॉइस में इतना ही। नमस्कार।